नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जुगाड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि समर स्टार्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं। मोटर को चलाने के लिए हमें इस कंडेंसर की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो चलिए फटाफट से कनेक्शन करना बताते हैं कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो गाइस कंडेंसर को सबसे बाद में हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा इन तीनों चारों का काम है। तो यहाँ पर ले लिए हमने कुछ तार के टुकड़े। तो गाइस सबसे पहले हमें इन बटनों के कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले हमें मेन पॉइंट पर आना है, इन दोनों बटन को कुछ इस पोजिशन में रख लेंगे, ठीक है। और इस पर इस वाले वायर को, मैंने ये वायर पहले ही लगा लिया, इस वाले वायर को हम इस टर्मिनल पर लगा देंगे। तो फटाफट से इस वायर को लगा देंगे। तो वायर कुछ इस तरीके से लग चुका है और इसकी हम सीरीज भी यहाँ पर लेने वाले हैं, क्योंकि ये दो काम जो दोनों काम करते हैं सिर्फ एक ही करंट से करते हैं। हम न्यूट्रल फेस कोई भी इसमें ले सकते हैं। तो गाइस हमें बेहतर होगा इसमें फेस को सीरीज का भेज दें, क्योंकि फेस का काम मेन होता है और फेस को कट करना इसका काम रहेगा और कट और ऑन ऑफ करना इसका काम रहता है। तो गाइस इसको ऑन ऑफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक वायर और लेना पड़ेगा किसी एक टर्मिनल में से। एक यहाँ से वायर लेना है, एक यहाँ से वायर लेना। तो सबसे पहले एक वायर हम यहाँ से ले लेंगे जो रेड वाले बटन से है। तो गाइज इतना कनेक्शन हमारा हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। तो गाइज हमने इनको सीरीज में कनेक्शन कर दिया है। पहला मेन पावर आया, ये ऑलरेडी हमारा कनेक्ट रहता है, यहाँ से निकल के इसमें आया और फिर जब इसको पुश करेंगे तो सीधा रिले को पहुँचा देगा। तो गाइज अब इसके इस वाले पॉइंट से हमें एक वायर किसी एक रिले वाले वायर के पास कनेक्ट करना है, ठीक है। एक ग्रीन वायर हम यहाँ पर ले लेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। तो गाइस इतना कनेक्शन हमारा सिर्फ एक कॉइल का हो चुका है। अब दूसरा कॉइल का कनेक्शन करेंगे तो डायरेक्ट हम इस कनेक्शन से दे देंगे, ठीक है। कि दूसरा वाला जो कनेक्शन है वो सिर्फ हमें डायरेक्ट ही देना है, ठीक है। वीडियो को गौर से समझिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस हमारा ये डायरेक्ट हो चुका है, अब इसको हम डायरेक्ट ही कॉइल में अटैच कर देंगे। ये कोने वाला न्यूट्रल है और ये वाला फेज है, ठीक है। गाइस इतना काम इसका हो गया। मैं सबसे पहले आपको चेक करके ये बताता हूँ कि ये बटन दबाने पर काम कैसे करती है, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट ही सिर्फ चिपक जाएगी, जैसे ही मैं बटन को छोड़ दूंगा ये छोड़ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें पावर देकर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर पावर दे दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जल चुका है और हमारे इसमें लाइट आ चुकी है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं बड़ी सावधानी से, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे क्योंकि इसमें करंट है। मैं जैसे ही ग्रीन बटन को यहाँ पर दबाता हूँ तो ये रिले चिपक गई। अब जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा ये छोड़ जाएगी, ठीक है। इतना काम आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की जानकारी आपको बताता हूँ। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये वाली जो कॉइल है हमारी, इससे एक वाला वायर लेकर बिल्कुल हमें इस वाले टर्मिनल से लगा देंगे। सबसे पहले ये वाला हमें काम करना है, तो चलिए फटाफट से इस वायर को मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। तो गाइस ये वाला जो वायर है हमारा फेस का होता हुआ यहाँ पे आ चुका है और इस कॉइल में अटैच हो चुका है। तो हमने ये छोटा सा वायर इस वाले टर्मिनल में क्यों लगाया, क्योंकि इसका एक रीजन है। तो गाइस इसको हमारे जैसे ही इसको दबाते हैं तो ये करंट हमारा छोड़ देता है। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो करंट भी छोड़ देता है, ये छोड़ जाती है। इसको करंट हमें रेगुलर चाहिए, तो रेगुलर करंट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा वायर और लेंगे, छोटा सा वायर लेकर के हम इस डायरेक्ट करंट उसमें लगा देंगे। तो गाइस इसमें रेगुलरिटी, इसको करंट देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा वायर लेकर के इसमें एक वायर लगा देंगे, फेस वायर लगा देंगे। तो देखा इस फेस वायर हमने रेड ले लिया है, इस रेड वायर को हमें पता है कहाँ लगाना है। रेड वायर को हमारे इस वाले पॉइंट से लेकर के, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, जो हमने इस जो बीच में ये वाला वायर लिया ना, इस वाले वायर से लेकर के सीधा इस वाले पॉइंट पर हमें लगा देना, ठीक है। चलिए फटाफट से इस वायर को लगाते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने बताया कि रेड वायर हमें यहाँ पर इस वाले टर्मिनल में लगाना है, तो बिल्कुल हमने ग्रीन बटन से यहाँ से लेकर एक वायर लगा दिया है। बाकी इस वाले पॉइंट से भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसको फिर से हम पावर दे करके इसमें ट्राई करते हैं। तो चलिए इसमें फटाफट से पावर दे करके इसको चेक करते हैं। इन बटन को हम पहले ही सीधा कर लेंगे ताकि हमें करंट ना लगे, काफ़ी अच्छे तरीके से चेक करेंगे। तो गाइस इसका कनेक्शन भी हमारा हो चुका है, हमने बटन को सीधा कर दिया। इसमें पावर दे करके हम इसको चेक करते हैं। तो चलिए फटाफट से पावर प्लग में वायर लगा देते हैं। तो गाइस हमने इसमें पावर दे चुके हैं, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये ग्रीन बटन हम दबाएंगे, ये रिले देखो अब चिपक गया, पूरा प्रॉपर वर्क कर लिया था। यदि मैं इस वायर को हटा दूंगा ये तुरंत छूट जाएगा। ये रिले चिपक गया, अब मैंने रेड बटन दबाया ये छूट गया,
फिर इसको ग्रीन बटन दबाया, चिपक गया। तो गाइज आई होप कि आपके जानकारी ये समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके मोटर के कनेक्शन करने के बारे में। यदि दोस्तों आप कमेंट करोगे तो इसका डायग्राम भी मैं आपको बना करके दे दूंगा। तो गाइज 36 का कंडेंसर हम ले लेंगे या 50 का भी आप ले सकते हैं। यदि आपकी हाई पावर की मोटर है तो 50 का ले सकते हैं, और कम पावर की मोटर है तो आप 36 का ही कंडेंसर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर लो पावर में 50 का यूज़ करोगे तो मोटर आपकी ख़राब चलती हो सकती है। तो गाइज शुरू करते हैं मोटर का कनेक्शन। तो गाइज ये वाला जो कनेक्शन है ये अब हमारा खाली पॉइंट है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लेने वाले हैं मोटर को ऑन ऑफ करने में। तो गाइज मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सीधा सा एक इसमें एक वायर ले लेंगे, इसको यहाँ से जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। ये वाला वायर हमारा बनेगा मोटर की रेड वायर, जो मोटर में रेड वायर होता है ना, जो RYB होता है, उस वाला ये वाला रेड वायर है। तो रेड वाले वायर को हम कुछ इस तरीके से कॉर्नर में लगा देंगे, बाकी आपकी इच्छा है किसी भी कोने में आप लगा सकते हो, लेकिन जो कंपनी के साथ में आता है कुछ इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये था हमारा रेड वायर, ठीक है, ये लग गया हमारा रेड वायर। अब ये हमारा कंडेंसर का जो बीच वाला वायर है वो येलो होता है, तो इसको बीच में ही हम यहाँ पर लगा देंगे। तो गाइस ये वाला वायर हमारा बीच में लग चुका है। अब बचा हमारा ब्लू वायर, जो मोटर को रन करता है वो ब्लू वायर और रेड वायर होता है, वो बीच में कंडेंसर का येलो वायर है। तो गाइस हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट खाली बचे। तो इस वाले कनेक्शन में हमें क्या देना है, फेज देना है, क्योंकि फेज का कट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फेज कट नहीं हुआ तो मोटर में करंट परमानेंटली रह सकता है। तो हमें फेज कट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने मोटर को आउटपुट दे दिया लेकिन इनपुट यहाँ से हमें देना है। तो गाइस ये था इनपुट। अब हमारा यहाँ पर ग्रीन वायर जो था वो येलो वायर था वो फेस का है, और ग्रीन वायर न्यूट्रल का है। तो अभी हमारा न्यूट्रल का वायर सीधा कॉइल पे गया हुआ है, तो न्यूट्रल हम यहाँ से उठा करके इसको दे देंगे, एक छोटा सा पीस लगा देंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल में करंट नहीं होता है। तो गाइस हम पीला फेस वायर ले लेंगे, यहाँ पर हमको लगाना है। तो गाइस ये था मोटर का फेज इनपुट, जो रिले से होकर के इस वाले पॉइंट में हमने लगा दिया है। जो ये वाला पॉइंट है, जो ग्रीन टेप आप देख रहे हैं, वो ये वाला रेड वाला पॉइंट है जो फेज से होकर यहाँ पर आ गया। अब हमारा बचा नीला पॉइंट, तो नीला पॉइंट को हम यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे, पूरा कनेक्शन हो जाएगा। तो शॉर्ट करने के लिए एक छोटा सा वायर ले लेंगे, छोटा सा वायर लेने के बाद में इसको शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल से डायरेक्ट हम इस वाले वायर को शॉर्ट कर देंगे। तो हमने शॉर्ट करने के लिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया है, और कंडेंसर लगाने के बाद में हमारा ये समर सेविल कनेक्शन तैयार है। तो गाइस हमारे पास बॉडी नहीं थी, हमने सारे पार्ट्स मार्केट से खरीद कर हम आपको लेकर आए और आपको सारी जानकारी हमने बताई। तो गाइस हमारा मोटर स्टार्टर कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट होकर तैयार है। मैं एक बार आपको फिर से ये जानकारी चेक करा के दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा मोटर स्टार्टर बनकर तैयार हो गया है। अब जैसे मैं ग्रीन बटन को दबाऊंगा तो रिले हमारी काम करना स्टार्ट कर देगी। ये देखिए रिले हमारी काम कर रही है, जैसे मैं रेड बटन को दबाता हूँ तो रिले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।